और खानपुर की लंढौरा नगर पंचायत कार्यालय प्रांगण में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगमन हुआ, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लंढौरा पहुंचते ही स्वास्थ्य विभाग, नगर पंचायत समेत अन्य विभागों ने अपने स्टॉल लगाए और लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जब तक प्रत्येक गरीब के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी, तब तक प्रधानमंत्री की संकल्प यात्रा नहीं रुकेगी। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि जिन विभागों के अधिकारी सूचना के बाद भी कार्यक्रम में नहीं आए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खानपुर से सुशील कुमार की रिपोर्ट। संकल्प यात्रा चल रही है, अभूतपूर्व है। ये यात्रा का स्वागत जो है, हजारों लाखों लोग, वो लोग जिनको लाभ मिला है, चाहे वो जनधन योजना का है, चाहे शौचालय है, चाहे प्रधानमंत्री आवास का है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का है, चाहे स्वनिधि का है, चाहे आयुष्मान भारत का है, चाहे जनधन योजना का है, लाखों लाखों लोग जिस तरीके से इसका स्वागत कर रहे हैं, और वो लोग जिनको अभी मिलना है वो भी इस रथ में अपना एप्लीकेशन प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा रहे हैं।